अल्लाह माई डियर स्टूडेंट्स माई नेम एज हसन रजा उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैरुआफ़ियत है माई डियर स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस क्लास में एंड गेट को समझने की कोशिश की थी तो अब एंड गेट को आप क्योंकि समझ चुके हैं एंड गेट का एलेक्ट्रिकल सर्कट देख चुके हैं तो आप बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बाकी भी डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन या डिफरेंट लॉजिक गेट्स को समझ सकते हैं सो आज के इस क्लास में हम और नॉर्थ गेट को भी देखेंगे और इन्हीं के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स नैंड गेट नॉर गेट को भी देखेंगे और इन चारों गेट्स में से एक गेट एंड गेट नैंड गेट की एप्लीकेशन को भी आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा मैं आपको आज के लेक्चर में सिखाऊंगा कि आप घर में एक अलार्म सिस्टम कैसे बना सकते हैं घर की सिक्योरिटी के लिए किसी भी चोर से हिफाजत के लिए बर्गलर अलार्म कैसे बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स चलिए अपने लेक्चर को फॉरवर्ड आगे लेके चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर अगली बात शुरू करते हैं ऑन द नेक्स्ट डिजिटल सर्किट और द नेक्स्ट डिजिटल ऑपरेटर जिसे हम और गेट या और ऑपरेशन कहेंगे डियर स्टूडेंट्स और ऑपरेशन से क्या मुराद है और को वैसे उर्दू में या कहते हैं या ये काम कर लो या वो काम कर लो काम हो जाएगा यानी इसमें चॉइस मौजूद होती है कोई एक कोई एक भी अगर इनपुट आ जाएगी तो आउटपुट में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया इसमें क्या होने वाला है तो डियर स्टूडेंट्स इस और ऑपरेशन में भी बिल्कुल हमारे पास दो इनपुट्स मौजूद होती हैं और एक आउटपुट मौजूद होती है तो डियर स्टूडेंट्स इसका सर्किट कैसा बनेगा चलिए इसके सर्किट को आपके सामने ड्रॉ करते हैं और आपको सर्किट दिखाने की कोशिश करते हैं दिस इज द सर्किट ये आपके सामने जो दिख रहा है दिस इज द सर्किट ऑफ द और ऑपरेशन इस सर्किट में माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दो स्विचेस हैं एस वन और एस टू जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं दूसरे के साथ और एक लैंप कनेक्टेड है इनके साथ स्टूडेंट्स स्विचेस तो पैरेलल में कनेक्टेड है लेकिन स्विचेस आगे जाके इस लैंप के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और ये सब कुछ एक अदर बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आप जरा इमेजिन कीजिएगा कि इनपुट के बदलने से आउटपुट कैसे बदलेगी व्हाट विल बी द चेंज इन द आउटपुट सो एज हैव टोल्ड यू कि द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट्स, दो स्विचेस लगे हुए तो चलिए एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की मदद से ऑब्जर्व करते हैं कि आउटपुट पर इनपुट के बदलने से क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स टेबल के पहले कॉलम में हम एस वन स्विच लिखेंगे और थर्ड कॉलम में लैंप लिख देंगे कि का इन की से क्या बिहेवियर है ओपन करते हैं दोनों स्विचेस इस वक्त ओपन है इस वक्त सर्किट के दोनों स्विचेस ओपन होने की वजह से सर्किट दोनों साइड्स से डिसकॉन्टिन्यूस है यानी कि करंट किसी भी सूरत लैंप तक बल्ब तक नहीं पहुंच सकता द सर्किट इज डिस्कॉन्टिन्यूस सो वेन आई से सर्किट इज डिस्कॉन्टिन्यूस आई मीन देर इज नो करंट इन द सर्किट सो इफ देर इज नो करंट इन द सर्किट विल देर बी एनी साइंस ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ द बल्ब क्या कहीं पर कोई सूरत पॉसिबल है कि बल्ब ऑन होगा द आंसर इज नो। बल्ब को करंट नहीं मिलेगा बल्ब या ये ऑन नहीं होगा तो आपकी आउटपुट क्या आएगी जीरो आएगी तो माई डियर स्टूडेंट्स जब दोनों स्विचेस ऑफ हैं, या दोनों स्विचेस ओपन है ओपन ओपन द बल्ब इज द लैम्प इज ऑफ डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्विच एस वन को ओपन ही रहने देते हैं एस टू को इस सेकेंड स्विच को क्लोज कर देते हैं इस सेकेंड स्विच को कनेक्ट करने से अब सर्किट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स देखिए इस चलती हुई लाइन की मदद से देखिए अब बैटरी से करंट निकलेगा और इस स्विच S2 की मदद से इस एस स्विच S2 से होता हुआ थ्रू दिस S2 द करंट विल फ्लो टू द लैंप और लैम्प से होता हुआ वापस बैटरी में आ जाएगा अब सर्किट कंप्लीट है अब सर्किट में कोई डिसकॉन्टीन्यूटी खला नहीं है अगर आप कह रहे हैं सर खला है तो यस वो एस वन में है एस वन के ओपन होने के बावजूद भी करंट को एक ऑल्टरनेट पाथ एस टू की सूरत में मिल रहा है तो करंट एस टू से फ्लो कर जाएगा और लैम्प ऑन हो चुका है तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आप यहां पर इस सेकेंड रो ऑफ दिस टेबल को फिल कर सकते हैं आप एस वन की जगह लिखेंगे इट इज़ 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 ऑफ़ स्टिल ओपन ऑन और S2 जिसकी वजह से हमारा लैंप ऑन हो चुका है क्योंकि करंट को एक ऑल्टरनेट पाथ मिल रहा है इस लैंप तक जाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स अब ऐसा कीजिए कि S2 को ओपन कर दीजिए और एस वन को क्लोज कर दीजिए अब क्या होगा क्या करंट सिर्फ एस टू तो उसे गुजर सकता था नो माय डियर स्टूडेंट्स बैटरी से करंट फिर निकलेगा अब एस टू डिस्कॉन्टिन्यूस है यहां पर एक गैप है ये वाली साइड करंट को फ्लो नहीं होने देगी बिकॉज ऑफ इट्स डिस्कॉन्टिन्यूटी लेकिन कोई मसला नहीं करंट के पास एक ऑल्टरनेट पाथ तो मौजूद है एस वन का तो करंट एस वन से होता हुआ फिर लैंप से पास करके बैटरी में चला जाएगा यानी कि लैंप से अभी भी करंट पास कर रहा है दैट मींस द लैंप विल बी टर्न ऑन वंस अगेन तो डियर स्टूडेंट्स जब एस वन आपने क्लोज किया एस टू को ओपन किया इस सूरत में भी लैंप ऑन हो चुका है लैंप इज इन द ऑन स्टेट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर ऑन कर दें दोनों स्विचेस को क्लोज कर ऑन और सर्किट का क्लोज होना एक जैसा है क्लोज मैं इसलिए बार बार कहता हूं आप कंफ्यूज ना हो जाए क्लोज का मतलब वैसे जैसे ब्रिज ओपन हो तो सर्किट Uh, रास्ता इनकम्प्लीट होता है और ब्रिज के क्लोज होने पर सड़क कंप्लीट हो जाती है रास्ता हमवार हो जाता है तो क्लोज होने का मतलब है है बंद हो गया अब करंट गुजर सकता है। तो दोनों स्विचेस को क्लोज कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स अब इस सूरत में क्या करंट को रास्ता मिल रहा है लैंप तक जाने का जी बिल्कुल दो दो रस्ते हैं कुछ करंट एस वन से आएगा कुछ करंट एस टू से आएगा और दोनों करंट्स बल्ब में दाखिल होने से पहले इस लाइन में में आके आपस मिल जाएंगे और फिर लैंप में बल्ब में से पास करके वापस बैटरी में चले जाएंगे तो इस केस में भी लैंप या बल्ब ऑन होगा तो डियर स्टूडेंट्स आपने फोर्थ केस देखा जब दोनों स्विचेस क्लोज स्टेट में तब बल्ब ऑन स्टेट में तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसी का टेबल देखना चाहें डिजिटल फॉर्म के अंदर तो आप S1 और S2 की जगह आप इनपुट्स लिख सकते हैं एक इनपुट S1 से एक इनपुट S2 से आ रही है तो A और B S1 और S2 को रिप्लेस कर देंगे इन दिस ट्रुथ टेबल आई कैन राइट A और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा दूसरे कॉलम में मैं लिखूंगा बी और डियर स्टूडेंट्स आउटपुट को कैसे पढ़ा जाएगा एक्स इक्वल्स ए और बी इसे ए और बी कहा जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स पहले केस में ए व जीरो बी व जीरो दोनों ओपन थे तो दोनों के ओपन होने की वजह से सर्किट को कोई रास्ता दोनों के ओपन होने की वजह से करंट को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था लैम्प तक पहुंचने का तो लैम्प भी ऑफ था लैम्प के ऑफ होने का मतलब है आउटपुट में ए और बी भी जीरो है डियर स्टूडेंट्स इन द सेकेंड केस हमने एस को आपके सामने ओपन रखा हुआ है s2 को क्लोज किया हुआ तो a is still 0 b is 1 द करंट कैन फ्लो थ्रू b एंड बिकॉज़ ऑफ दैट कंप्लीट सर्किट द लैंप विल बी टर्न ऑन तो लैंप अगर ऑन हुआ तो a और b 1 हो गया इसी तरह से थर्ड केस में माय डियर स्टूडेंट्स आपने s1 को क्लोज किया s2 को ओपन कर दिया s1 को क्लोज करने की वजह से सर्किट पर कंप्लीट हो गया सो so, s1 इज a a इज 1 b इज 0 तो ए और बी यानी लैम्प फिर से ऑन है जवाब वन आ गया और इन द फाइनल केस इन द फोर्थ केस व्हेन बोथ आर टर्न्ड ऑन व्हेन बोथ आर क्लोज्ड द सर्किट इज अगेन वन सेकेंड कंप्लीट ए इज वन बी इज वन तो ए और बी भी आप देख सकते हैं वन ही है तो डियर स्टूडेंट्स हम इसीलिए इस और ऑपरेशन को मैथमेटिक्स के प्लस ऑपरेशन से मंसूब करते हैं यानी मैथमेटिक्स में जो काम वन करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलियन अलज्रा में और ऑपरेटर वही काम कर सकता है यानी कि दोनों में से अगर एक इनपुट भी ऑफ है और एक इनपुट भी अगर ऑन है तो आउटपुट में ऑन आएगा आउटपुट आएगी तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जीरो प्लस जीरो इज जीरो जीरो प्लस वन इज वन वन प्लस जीरो इज वन अब वन प्लस वन को टू नहीं कहना वन प्लस वन का मतलब है दोनों इनपुट्स यस yes हैं तो आउटपुट कैसे ना होगा जब दोनों राजी हो तो आउटपुट इनकार नहीं कर सकती आउटपुट फॉल्स नहीं हो सकती आइडिया स्टूडेंट्स दिस इज हाउ द और ऑपरेटर विल वर्क द और गेट विल वर्क और अब आप इसका सिंबल देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके सिंबल में ये शेप और गेट को रिप्रेजेंट करेगी ये एक इनपुट ए है ये दूसरी इनपुट बी है और मैं इसके आगे एक्स एक आउटपुट लिख सकता हूँ एंड एक्स इक्वल्स ए और बी या ए प्लस बी भी आप इसे कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट गेट नेक्स्ट डिजिटल लॉजिक गेट दैट इज नॉट गेट या नॉट ऑपरेटर तो डियर स्टूडेंट्स नॉट ऑपरेटर या नॉट ऑपरेशन क्या है चलिए इस पॉइंट को भी जरा समझते हैं और इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं और नॉट ऑपरेशन का वाहद एक काम है इनपुट को इन्वर्ट करना इसीलिए नॉट ऑपरेशन को इन्वर्टिंग गेट भी कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं इसमें आपके इनपुट जो भी होगी आउटपुट उससे ऑपोजिट आएगी ठीक है स्टूडेंट्स अब एक्चुअल में ये कैसे हो सकता है एक्चुअल में इस बात को समझने के लिए ये इसका एक एक्चुअल डिजिटल सर्किट आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ जिसमें ऊपर लैम्प है नीचे बैटरी है दरमियान में एक स्विच लगा हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा यहाँ पर गौर से देखिएगा मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ करंट की एक नेचर है करंट हमेशा लेस रेजिस्टेंस वाली जगह से पास करता है जहाँ पर सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो वहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा और जहाँ सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए या अप्रोचिंग टू जीरो हो जाए वहाँ से मैक्सिमम करंट पास कर जाता है तो माय डियर स्टूडेंट्स अब इस सर्किट को देखिए हाउ मेनी इनपुट्स आर देर कितनी वन इनपुट शाबाश वी हैव गॉट ओनली वन इनपुट एस वन हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर आउटपुट भी वन है एक ही लैंप कनेक्टेड है माई डियर स्टूडेंट्स वेन द स्विच इज ओपन क्या सर्किट क्लोज है येस yes, बिल्कुल सर्किट क्लोज है द करंट फ्रॉम द बैटरी विल पास थ्रू द बल्ब एंड थ्रू द बल्ब इट विल कम बैक टू द बैटरी स्विच में से कोई करंट पास नहीं कर रहा नो प्रॉब्लम हमें जरूरत भी नहीं है हमें तो आउटपुट यानी लैम्प को ऑन करना है लैम्प कुड भी टर्न ऑन इवन इफ द स्विच इज ओपन तो अगर इसका ट्रोथ टेबल देखा जाए तो उसके ट्रुथ टेबल में इनपुट्स वाली साइड पर सिर्फ एक एस लिखा जाएगा और आउटपुट वाली साइड पर सिर्फ एक लैंप लिखा जाएगा वेन द स्विच इज ओपन द बल्ब इज ऑन आरियो स्टूडेंट्स अब अगर गौर से देखिएगा मैं इस स्विच को क्लोज कर दूँ अब सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम इस स्विच पे है हमने इन दो तारों को इन सिंपल वर्ड्स में जोड़ दिया आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं इसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग में सिर्फ उन दो तारों को जिन्हें शॉर्ट किया जाता है उनकी रेजिस्टेंस मिनिमम या जीरो हो जाती है आइडियल केस में तो बाकी तमाम चीजों की बाकी तमाम वायर्स की रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल पास थ्रू द स्विच एंड गेट बैक टू द बैटरी इस लैंप में से कुछ भी नहीं गुजरेगा द लैम्प विल बी ऑफ द लैम्प विल नॉट टर्न ऑन बिकॉज लैम्प तक करंट पहुँच ही नहीं पा रहा सारा करंट इस शॉर्ट सर्किट वाले स्विच से होता हुआ बैटरी में वापस आ रहा है so, सो आपने जब स्विच को माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज किया या कह लीजिए ऑन किया तब बल्ब ऑफ हो गया ऑपोजिट हो गया ना तो इसका टुच टेबल बनाते हैं इसके टुच टेबल में अब आपके पास एक ही इनपुट है एक और एक ही आउटपुट है ए बार इसे ए के ऊपर आप बार देख रहे हैं इसे ए बार पढ़ते हैं या ए इनवर्स भी कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जब ऑफ था तब बल्ब ऑन था यानी ए बार द रिजल्ट वाज देयर तो बल्ब ऑन था यानी आंसर वाज आउटपुट वाज वन सो व्हेन ए वाज जीरो ए बार वाज वन उल्टा हो गया ना इनपुट नहीं आउटपुट आ गई इसके दूसरे केस में देखिए वेन ए वॉज वन वेन यू क्लोज द स्विच वेन यू टर्न एट ऑन द बल्ब वॉज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स वेन ए वॉज वन ए बार वॉज जीरो सो इन these टू केसेज द आंसर द आउटपुट इज ऑपोजिट ऑफ इनपुट डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया नॉट गेट अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस नॉट गेट को एंड और और के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं नैंड और नॉर गेट की आउटपुट को इन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स जल्दी से जरा एंड गेट के साथ इस नॉट गेट को कंबाइन करके देखें क्या होगा बहुत सिंपल सी बात है नाउ आई विल जस्ट कम ऑन इट्स ट्रुथ टेबल मैं इसके ट्रुथ टेबल पे आऊँगा इसको कैसे लिखा जाएगा कैसे कहा जाएगा तो चलिए नैन गेट के ऊपर बात करते हैं माइंड डियर स्टूडेंट्स नैन गेट के ट्रुथ टेबल में आप जानते हैं दो इनपुट्स हैं ए एंड बी और एंड होता तो क्या कहते इक्वल्स एंड आउटपुट होती है एंड की लेकिन अब आप ये नहीं चाह रहे आप क्या चाह रहे हो इसके साथ नॉट लगाना यानी इस आउटपुट को इन्वर्ट करना तो साथ एक और कॉलम बना लेते हैं सो दैट कॉलम इन विच वी विल राइट एक्स बार एक्स बार कह लीजिए या ए एंड बी बार कह लीजिए या ए डॉट बी बार कह लीजिए इसे हर तरह से पढ़ा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले वाले केस में वन बाय वन देखते हैं वन ए इज ज़ीरो बी इज जीरो आउटपुट जो है आप देख सकते हैं क्या होगी ए एंड बी की ज़ीरो अगर ए एंड बी की आउटपुट जीरो है तो इसे इनवर्ट कर दीजिए ए एंड बी बार वन हो बाड़िए सुनों इसी तरह से सेकंड केस में देखिए ए इज़ जीरो बी इज़ वन तो ये मल्टीप्लिकेशन है ए एंड बी क्या आएगा ए एंड बी यानी ए डॉट बी विल अगेन जीरो तो ए एंड बी बार या ए डॉट बी बार यानी नैंड गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी वन इसी तरह से नीचे आइए नाउ ए जो है वो वन है बी है एज वन बी जीरो ए एंड बी इज अगेन जीरो और इसका इनवर्जन क्या हो जाएगा ए एंड बी बारीजिए या ए डॉट बी बार कह लीजिए डियर स्टूडेंट्स इट इज अगेन गोइंग टू बी वन ये फिर से वन हो जाएगा इसके बाद इसके फोर्थ रो को देख लीजिए फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को देख लीजिए वन ए इज वन बी इज वन दोनों ऑन है दोनों स्विचेज क्लोज हैं तो अभी सूरत में ए एंड बी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स द ए एंड बी वन वन इज वन माई डियर स्टूडेंट्स इसके एंड बी बार यानी नैंड गेट को भी देख लीजिए ये क्या हो जाएगा इसका वन का इनवर्स जीरो आता है द आउटपुट है इज जीरो तो दिस इज हाउ द नैंड गेट विल वर्क माई डियर स्टूडेंट्स चलिए एक और कदम आगे आते हैं इसका सिंबल देख लेते हैं तो इसके सिंबल के मुताबिक ये एंड गेट है ए एंड बी इनपुट्स हैं एक आउटपुट निकल है एंड गेट से एक्स उस एक्स को आपने नॉट गेट में से पास करवाया तो एक्स बार बन गया यानी ए एंड बी बार बन गया माई डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर इस सारे सर्किट को एक ही सिंबल में ड्रॉ करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आरियर स्टूडेंट्स अगर आप इस सारे सर्किट को एक ही सिंबल में ड्रा करें तो एंड के साथ एक छोटी सी बबल ड्रा कर देंगे नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है नॉट का आपने देखा कि बहुत सिंपल सा सिंबल है एक ट्रायंगल सी है जस्ट एक इनपुट और एक आउटपुट एक ही सिम्बल सी एक ही ट्रायंगल सी है तो इसमें से पास किया तो आपका एक्स बार बन गया इस डी के आगे एंड के आगे बबल आपका नैंड गेट को एग्जिबिट करेगा नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा अब जल्दी से ज़रा फटाफट फड़ से नॉर गेट को भी देख लीजिए हाउ द नॉर गेट विल वर्क स्टूडेंट्स ये नॉर गेट और कुछ नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट है आप जैसे नैंड के साथ उसकी आउटपुट में नॉट गेट लगा के एंड की आउटपुट को इन्वर्ट करके नैंड बना देते हैं वैसे ही और के आगे नॉट लगा के उसके आउटपुट को इन्वर्ट कर देंगे और नॉर गेट तैयार हो जाएगा तो चलिए जल्दी से पहले इसका टोट टेबल देख लीजिए फिर हम इसके सिंबल को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो इनपुट्स हैं एंड बी और ए और बी था जिसे हम ए प्लस बी कहते हैं तो एक तरफ वो है और एक तरफ इसकी बार हो जाएगी यानी इसके थर्ड कॉलम में एक्स इक्वल्स टू ए और बी लिखा जाएगा और फोर्थ कॉलम में एक्स बार यानी ए और बी बार यानी ए प्लस बी बार लिखा जाएगा तो चलिए पहले पॉसिबल इनपुट के कॉम्बिनेशन को देखते हैं व्हेन बोथ आर जीरो ए जीरो बी ज़ीरो तो डियर स्टूडेंट्स ए और बी क्या हो जाएगा ए और बी भी ज़ीरो हो जाएगा अब इस केस में ए और बी बार क्या होगा ए और बी का इनवर्स क्या होगा वन डियर स्टूडेंट्स द सेकंड ऑप्शन इज द सेकंड पॉसिबिलिटी इज ए ज़ीरो बी इज वन तो ए और बी क्या है एडिशन है वन आएगा तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके ए और बी बार को देखें ए और बी के इनवर्स को देखें दैट इज गोइंग टू बी ज़ीरो इसी तरह से अब नीचे आइए ए इज़ वन बी इज ज़ीरो माँ डियर स्टूडेंट्स अब इस केस में ए और बी फिर वन होगा क्योंकि कोई एक भी वन हो जाए तो उसकी आउटपुट वन आती है और गेट की लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं नॉर गेट को ए और बी का बार ले लीजिए यानी वन का बार फिर जीरो आ गया और फाइनली फोर्थ केस में वन वन इज़ वन ए भी वन है बी भी वन है ए और बी भी वन आ जाएगा तो डी स्टूडेंट्स अब आउटपुट क्या है ए और बी बार तो यहाँ पर आउटपुट फिर से ज़ीरो हो जाएगी तो डी स्टूडेंट्स आपने इस नॉर गेट की वर्किंग को भी देख लिया डी स्टूडेंट्स हम नॉर गेट और नैंड गेट की मदद से नॉट गेट को बना सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने की है नॉर और नैंड आर यूज्ड टू फॉर्म नॉर्थ गेट और हम ये भी कह सकते हैं नैंड गेट कैन डू द ऑपरेशन ऑफ नॉर्थ गेट नॉर्थ गेट और नैंड गेट नॉर्ट के ऑपरेशन भी कर सकते हैं लेकिन यकीन आपके जहन में यहाँ पर सवाल ये होगा कि हाओ विल यूज़ दीज गेट्स इन आर डेली लाइफ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं वॉट आर द्लिकेशन ऑफ दीज गेट्स तो डियर स्टूडेंट्स इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं लेकिन हमारी बुक में जो एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन की गई है दैट इज़ द हाउस सेफ्टी अलाम जिसे बर्गलर अलाम भी कहते हैं बर्गलर अलाम ये वो अलाम है जो किसी चोर के आने पर बचता है अगर आप इसे अपने घर में नस्फ़ कर दें लगा दें तो जैसे ही चोर आपकी घर की दहलीज पर कदम रखेगा या घर के दरवाजे से एंटर होने की कोशिश करेगा तो फ़ौर से ये अलार्म बीप्स की सूरत में सायरन की सूरत में ब्लो होना शुरू हो जाएगा और आप जहाँ कहीं पे होंगे आप जहाँ भी मौजूद होंगे आपको फ़ौर से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको एक जो है वो किसी किस्म की निशानदही हो जाएगी कि कोई ना कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये स्टूडेंट्स हाउ दस बर्गलर अलार्म वेल वर्क ये इसका सर्किट मैंने आपके सामने शो किया है द सर्किट इज लिटिल बिट ऑफ हॉरिबल थोड़ा सा ड्राउना सा है फ्राइटनिंग है लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी फ्राइटनिंग नहीं है मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करेगा डियर स्टूडेंट्स वी विल यूज द नैंड गेट हम नैंड गेट को यूज करते हुए इस बर्गुलर अलार्म को बना रहे हैं आप देख सकते हैं ये सिंबल ये पर्टिकुलर सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है ये नैंड गेट का सिंबल है इसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी स्टूडेंट्स देखिए ए बी बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और बी बी बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है लेकिन यहाँ पर बी के साथ एक चीज कनेक्टेड है बी के साथ एल डी आर कनेक्टेड है स्टूडेंट्स व्हाट आर एलडीआर एल डी आर की फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और रोशनी कि शिद्दत में तब्दीली के साथ अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर देती है अगर आप साइड पर लिखा देखें तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लाइट सेंसिटिव रेजिस्टेंस इस पर रोशनी पड़ेगी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जब रोशनी की सप्लाई कट ऑफ होगी जब आप एल को आप कवर कर देंगे इस पर रोशनी को नहीं पड़ने देंगे इसकी रजिस्टेंस बढ़ जाएगी सो so, ये लाइट सेंसिटिव रेजिस्टेंस है इसीलिए इसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी चेंज रेजिस्टेंस चेंज तो आपने देखा कि आपने दो इनपुट्स रखी हुई है ए और बी ए पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है बी पॉजिटिव के साथ तो जुड़ी हुई है बैटरी के लेकिन थ्रू एल डी आर यानी रोशनी की शिद्दत में कमी या इजाफे से बी इनपुट चेंज हो जाएगी और ये स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ए के साथ नीचे एक स्विच भी कनेक्टेड है द स्विच ये वो स्विच है जिस पर कदम रखने से भी अलार्म बोलेगा बर्गलर अगर इस स्विच पर स्टेप कर देगा तो अलार्म बीप करना शुरू कर देगा लेकिन सब कुछ कैसे होगा चलिए कैसे समझते हैं इस नैन गेट के आगे हमने अपना अलार्म सिस्टम लगाया हुआ माय डियर स्टूडेंट्स जैसे इनपुट्स चेंज होंगी अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाएगा लेकिन चलिए समझते हैं आखिर ये सब कैसे होगा स्टूडेंट्स इस वक्त ना इस स्विच पर किसी ने स्टेप की है और एल डी आर पर भी जो है वो पूरी पूरी लाइट फॉल कर रही है तो ए इनपुट भी जा रही है और यहाँ से बी इनपुट भी जा रही है क्योंकि लाइट फॉल करने से एल डी आर की कम है तो एल डी आर में से भी ज़्यादा करंट पास करता हुआ कम रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा करंट पास करता हुआ नैन गेट में से गुजर जाएगा तो नैन गेट की ए इनपुट भी है और बी इनपुट भी है ए भी वन है बी भी वन है तो आउटपुट एंड के लिए वन आता था नैंड के लिए जीरो हो जाएगा तो नैंड गेट के आउटपुट जीरो है अलार्म नहीं बीप करेगा अलार्म तक तो करंट जा ही नहीं रहा लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अब इमेजिन कीजिए एक चोर आता है और जल्दी जल्दी में जब इस बी इनपुट के आगे लगे हुए एलडीआर के आगे से गुजरता है तो जहर है उसके आगे से गुजरने की वजह से इस एल डी आर पर पड़ने वाली रोशनी कट ऑफ हो जाएगी रोशनी के कट ऑफ होने का मतलब है ए इनपुट तो आ रही है बी इनपुट ख़त्म हो गई क्योंकि जब एल डी आर पर पड़ने वाली रोशनी बंद होगी एल डी आर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी यानी एल डी आर यानी बी की तरफ आने वाला करंट ख़त्म ए वन बी ज़ीरो डियर तो स्टूडेंट्स अगर एंड गेट होता ए वन बी जीरो पर ये जीरो आउटपुट देता क्योंकि ये नैंड गेट लगा हुआ है ए तो वन है बी जीरो है तो नैंड गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी डी स्टूडेंट्स वन यानी अब अलार्म को करंट जाना शुरू हो जाएगा एंड अलार्म विल स्टार्ट बीपिंग आपको फॉरन से पता चल जाएगा और दूसरे केस में डी स्टूडेंट्स अगर एल डी आर के आगे से कोई चोर ना गुजरे इस स्विच पर कोई कदम रख दे तो स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगा स्विच के डिसकनेक्ट होने से माय डियर स्टूडेंट्स ए की इनपुट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि स्विच कनेक्टेड है ए के साथ तो ए ज़ीरो हो गया बी वन है अभी भी तो डियर स्टूडेंट्स ज़ीरो और वन नैंड गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी वन तो अगेन द अलार्म विल स्टार्ट बीपिंग लेकिन अगर आप इसके फाइनल केस में देखें अगर कोई दो चोर इकट्ठे आ रहे हैं एक एलडीआर के आगे आके खड़ा हो गया एक ने इस स्विच पर कदम दे दिए अब दोनों इनपुट्स ऑफ हो चुकी हैं स्विच पर कदम रखने से स्विच डिस्कनेक्ट ए ज़ीरो एल डी आर के आगे आगे खड़े होने से पढ़ने वाली रोशनी ख़त्म बी भी, भी ज़ीरो तो नैंड गेट की आउटपुट आ जाएगी वन अलार्म फिर बीप करना शुरू कर देगा इस अलार्म के बजने से आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके घर में ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे गेट्स ज़ीरो और वन के फॉर्म में डिफरेंट इनपुट्स पर डिफरेंट आउटपुट दिया करते हैं और इन्हीं डिफरेंट आउटपुट्स को यूज़ करते हुए आप इन डिफरेंट लॉजिक गेट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिज़ाइन किया करते हैं फॉर एग्जांपल आपने आज के लेक्चर में नैंड गेट की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखी इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है बर्गलर अलार्म यानी कि एक चोर को डिटेक्ट करने वाला अलार्म सिस्टम हमने देखा कि कैसे चोर अगर इस एक स्विच पर स्टेप करे तो अलार्म सिस्टम बजेगा या अगर घर में दाखिल होने के लिए एलडीआर के आगे से गुजर रहे तो उसकी मोशन भी डिटेक्ट हो जाएगी और अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाएगा हारे स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं अपने बेानतहा ख्याल रखें सी यू नेक्स्ट टाइम अफज़